कौन कौन से फोन आपको लेने चाहिए ये तो हमने आपको कई बार बता दिया, लेकिन आज हम आपको बताइए कौन से फोन आपको नहीं लेने चाहिए। थैंक्स। कुछ और फोन जो आपको बताने वाला हूँ उनसे कहीं बेहतर फीचर्स स्पेसिफिकेशन लेके आते हैं, तो ऐसा ना हो कि 5 दिन बाद आपको पछताना पड़े कि कल थोड़ा सा और रुक जाता तो बहुत कमाल माल मिल जाता। ये बड़ी अच्छी बात कही है। हमारे सबके चहेते ब्रांड एप्पल की तरफ से एप्पल आईफोन 11 ड्यूअल कैमरा वाला फोन। लोगों को फर्क नहीं पड़ता इसमें क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा। भाई गाँव में जिसकी शादियां नहीं हो रही है वो अलग से जाके आईफोन लेके आ रहे हैं। ड्यूअल कैमरा होने चाहिए, ट्रिपल कैमरा होने चाहिए। अब वहां पे शादी करवाने के लिए या तो कार चाहिए है या तो फिर आईफोन चाहिए है। अब जरूरी नहीं है कि आईफोन के बाद शादी हो जाएगी, लेकिन चांसेस भाई बढ़ जाते हैं। मानता हूं सबसे सस्ता ड्यूअल कैमरा वाला आईफोन है, लेकिन ना तो आपको इसमें फुल एचडी पैनल मिलता है, भाई आईपीएस एलसीडी 720p वाला पैनल है। क्यों खरीदोगे ना, इसमें 5G है और ना ही आपको अच्छी बैटरी मिलती है, चार्जर हाथ में लेके घूमना पड़ जाएगा भाई। कुछ कुछ ऑनलाइन बाय करो या ऑफलाइन, आपको 35-40,000 की प्राइस रेंज में मिलने वाला है। और इसी प्राइस रेंज में आपको बिग बिलियन डेज जो कुछ दिनों बाद आने वाले हैं वहां पे आईफोन 12 और आईफोन 13 मिल जाएंगे सेम प्राइस रेंज में। तो भाई क्यों आईफोन 11 लेना, इस 5G के जमाने में 4G फोन क्यों ही चाहिए। तो इस फोन से उतनी ही दूरियां बना लो जितनी अपनी एक्स गर्लफ्रेंड। लेटेस्ट खुशबूदार चीज लेने की बातें ही कुछ अलग होती है भाई, पुरानी चीजें कौन देखता है, कोई नहीं। बाकी हम भी बिल्कुल बहुत ज्यादा फ्रेश है, चाहो तो अभी के सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक बटन भी दबा सकते हो। बाकी मैं मिलता हूं आप लोगों से अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए।